हाय फ्रेंड्स, देखिए स्मोकी क्ले पॉट का स्टॉक जो है वो दिखा देते हैं। देखिए ये सब हाफ बेक से भी कम बेक है, ये स्मोकी है ठीक भी है। और ये बटर ग्रे वाला सॉसर है, बटर ग्रे और भावक ले लीजिए। स्मोकी में मिनी क्ले पॉट भी है। ये एकदम स्मोकी है, देखिए ये कितना सॉफ्ट है, मतलब ये लाते वक्त ही इतना टूट गया है। देखिए अंदर से किस कलर का है, ये अंदर से थोड़ा रेडिश है, मतलब ये थोड़ा सा ये बेक्ड हुआ है, ज़्यादा नहीं। देखिए अंदर से थोड़ा रेडिश है ये, अगर फुल बेक्ड हो जाता या हाफ बेक्ड ही होता तो इसका कलर इस तरह से होता, लेकिन इसके मुकाबले आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है, ये पूरा स्मोकी है। ये क्ले पॉट आते वक्त टूटा हुआ है थोड़ा, फ्रेंड्स जो लोग पॉप शॉप से ऑर्डर कर रहे हैं तो पॉप शॉप पे जो कैटलॉग है उसके हिसाब से आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। आप लोग मैसेज कर रहे हैं बहुत सारे कि मुझे ये 200 ग्राम में चाहिए, वो 300 ग्राम में चाहिए, ऐसा नहीं होता है। पॉप शॉप पे जो कैटलॉग है उसके हिसाब से आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। तो आप कैटलॉग देखिए, अगर आपको उसमें से कुछ चाहिए तो आप ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से ये 200-500 ऐसा करके ऐड कर दीजिए, ऐसा कुछ है नहीं। जितना आपको कैटलॉग में जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको मिलेगा। ये स्मोकी है, बहुत ही स्मोकी है, ये इसको सिर्फ आँच से छोका गया है, इसके कलर से आपको पता चल रहा है। और ये वाला है हाफ बेक, मिनी क्ले पॉट का ये हाफ बेक है। और ये बिग साइज थिक क्ले पॉट है, ये भी स्मोकी है थोड़ा, ये हाफ बेक में भी है। जैसे इस तरह से है, ये हाफ बेक है देखिए। और ये है बिग साइज स्मोकी वाला। मिलाते वक्त बहुत टूटता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है बहुत ही। ये जो क्ले पॉट है ये आते वक्त बहुत टूट जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है ना, इसीलिए देखिए। अच्छी तरह से देख लीजिए, ये इतना हाफ देखते हैं ये। अब ये जो है ये कोयले का राख है, पूरा इसको अगर आप पानी में ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये पिघल भी सकता है, ये जो स्मोकी वाला है।
पूरा टाइम इसको अगर आप पानी में रख देंगे तो ये पिघल भी सकता है, क्योंकि इसको ज़्यादा हमने आग में ज़्यादा देर तक रखा नहीं है। और ये देखिए, ये है कोलकाता क्ले पॉट, जो नया स्टॉक हमने लाए थे। वो कहा था कि ये सॉफ्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। देखिए आते वक्त ही कितना टूट जाता है। तो ये जो लोग बुक कर रहे हैं ना, उनको हम बोल देते हैं कि आपको सॉफ्ट चाहिए तो ये मिलेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट है और ये आते वक्त बहुत टूटेगा। लेकिन अगर आपको हार्ड चाहिए, मैं दिखा देती हूँ सबको, ये सॉफ्ट है हाँ। अगर आपको हार्ड चाहिए, टूटे नहीं ऐसा कुछ, तो देखिए ये हार्ड है। इसका कलर देखिए, ये पूरा हार्ड है। इसको, इसका साउंड सुनिए तो आपको पता चलेगा, कांच की बर्तन की तरह इसका साउंड होता है। और ये देखिए इसका साउंड सुनिए और इसका सुनिए, दोनों में बहुत फ़र्क है। इस तरह के ये क्ले पॉट हमने खुद तोड़े हैं, तभी हमें पता चला ये कितना हार्ड है। और ये देखिए, ये इनका साउंड आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्ट है। कोलकाता क्ले पॉट अभी हम बहुत ही सस्ते में दे रहे हैं, लेकिन आप मत सोचिएगा कि ये हम कोई चाय के दुकान या कहाँ कहीं से लाते हैं, इसको अलग से बनवाना पड़ता है। इस तरह के क्ले पॉट, कोलकाता जो क्ले पॉट है, इस तरह के क्ले पॉट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको अलग से बनवाना पड़ता है। देखिए कितना सॉफ्ट है, कहीं पे भी इस तरह के क्ले पॉट इतना सॉफ्ट आपको नहीं मिलेगा। ये हम अलग से बनवाते हैं, इसलिए इतना सॉफ्ट है। देखिए एक हाथ से आसानी से टूट रहा है, एक हाथ से बहुत सारे चीज़ों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसको हम तोड़ रहे हैं। देखिए इसका साउंड सुनिए और इसका साउंड देखिए, इसका दोनों के कितना फ़र्क है। तो जो लोग कोलकाता क्ले पॉट ऑर्डर कर रहे हैं, पार्सल खोल के देखिएगा, वो टूटा होगा, क्योंकि देखिए ये थीन है, ये कितना पतला है ये वाला, तो ये जाते वक्त तो टूटेगा। और ये देखिए कितना हार्ड है, इसको इसको चबाना मतलब पत्थर चबाने जैसा है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये देखिए, मैं इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ और क्रंच करके भी आपको बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी गारंटी है, कोलकाता क्ले पॉट में आपको कोई भी ग्रिटीनेस नहीं मिलेगा। ये हमारा अपना प्रोडक्शन है, हम खुद बनवाते हैं इसको। इसमें इतना देखिए, नज़दीक से देखिए, इसमें इतना मिट्टी की खुशबू है, क्या बताएं। इसमें थिक क्ले पॉट में ये कोलकाता क्ले पॉट जो है, वो हम 2 kg 300 में दे रहे हैं, और 5 kg 480 में,